विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव 12 जुलाई को होने हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पंकजा मुंडे और उद्धव ठाकरे के निजी सहायक मिलिंद नार्वेकर समेत कुल 12 उम्मीदवार मैदान में बच गए हैं। शुक्रवार को चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी। वर्तमान में 11 विधान पार्षदों का 6 वर्ष का कार्यकाल 27 जुलाई को समाप्त हो रहा है। बीजेपी ने हाल ही में बीते लोकसभा चुनाव हार चुकी पंकजा मुंडे समेत अमित गोरखे, सद्भाव खोट और योगेश त्रिलेकर को मैदान में उतारा है, जबकि परिषद के चुनाव सदस्य परिणय फुके को फिर से टिकट दिया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली शिवसेना ने पूर्व सांसद भावना गवली और कृपाल तुमाने को मैदान में उतारा है। उधर उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शिवाजी राव गर्जे और राजेश विटेकर को मैदान में उतारा है। विपक्ष ऐसी कांग्रेस ने मौजूदा विधान पार्षद प्रदन्या सातो को फिर से टिकट दिया है। प्रेजेंट्स वर्कर्स पार्टी के जयंत पाटिल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार यानी KNCP के उम्मीदवार के रूप में फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं शिवसेना UBT ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी मिलिंद नार्वेकर को मैदान में उतारा है। इससे लड़ाई काफी रोचक हो गई है, यानी NDE तरफ से 9 और MBA की तरफ से 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में वर्तमान में कुल 274 सदस्य हैं। एक उम्मीदवार को जिताने के लिए 23 वोटों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में बीजेपी के 103, शिवसेना के 38 और NCP के 42, कांग्रेस के 37, शिवसेना ET 15 और NCP के 10 सदस्य हैं। प्रहार जनशक्ति पार्टी, BV समाजवादी पार्टी और AK 22, जबकि अन्य राज्य RM, RSPP, WS और CPM स्वाभिमानी पक्ष क्रांतिकारी नेतृत्व के 11 विधायक हैं। इसके अलावा 13 स्वतंत्र विधायक भी हैं। निश्चित तौर पर MBA के पास संख्या बल नहीं है, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP और मुख्यमंत्री के शिवसेना के कुछ विधायकों पर भरोसा कर रही है जो उनके पक्ष में मतदान कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी खबरें आई हैं कि अजित पवार गुट के कई NCP विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं। इससे अजित पवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर विधायकों को जहां अपने पाले में बचा कर रखने की चुनौती है, तो वहीं 2 उम्मीदवारों को जिताने की उम्मीदवारी है। इस बीच MBA नेताओं ने मुंबई में बैठक की और 12 जुलाई को MLC चुनाव में जीत की रणनीति पर मंथन किया। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।